उट मी कॉलेट थ्री टॉपर सेवेंटीडमी से आई थर्टी से आस अगर आप भीडमी के साथ प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं और अन अकेडमी के साथ घर बैठे बैठे अपना सिलेबस कम्प्लीट कर मार्क्स दे सकते हैं और बेटर स्कोर कर सकते हैं

अरे थैंक यू थैंक यू रुद्राज फॉर कंग्रेचुलेन्स बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका क्लियर निकल गया दिस इज वाई आई एम हिर एंड कडो टू यू एंड ऐश करो मज़े करो खुश रहो चलिए थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड राइटिंग दैट मैसेज मीन्स अलॉट लॉट टू मी मींस द वर्ल्ड टू मी के बाद प्राइस ये हो जाएगा और अगर आप लोग आइकॉनिक का तो आनिक इस प्राइस में मिलेगा और प्राइस हाइक के बाद इतना हो जाएगा तो अगर आप लोग चाहे तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों और किसी भी कोर यूज हो सकते हैं ऑफर एक्सेस करने के लिए अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो अन अकादमी में प्लस और कॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है दोनों में ही आप सारे बैचेस एक्सेस कर सकते हो जितने मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है तब तक के लिए आप एक्सेस कर सकते हो तो सबसे लीगल रीजन मैं पढ़ाती हूँ अगर आपसे लीगल रीजन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और लॉ सार एंट्रेंस भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्लासेस होती है तो अगर आपसे कोई भी साथ पेड क्लासेस नहीं तो आप फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो फ्री क्लासेस में आपको रीजन कर सकते सकते हो इसके लिए आपकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो क्लास कैटेगरी में जाके कृति बटन अगर पे क्लिक करके मेरी क्लास से एंटर करके फ्री वाली उसमें भी कोड डाल सकते हो जैसे आज हमारी टू फिफ्टीन पे क्रिटिकल रीजनिंग

There's something with the lights today. सही काफी लोगों ने आंसर कर दिया है। A lot of you are saying A। Hi Indian system activity। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये assumption होगा, ये assumption होगा। दो class तक assumption बढ़ाया तुम्हें तो गलत आंसर करने के लिए। चलो, क्यों A नहीं होगा मैं पहले ये बता देती हूँ तुमको। क्या पता चला है कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है उनको उनका स्कोर कम आता है दे स्कोर लो ऑन टेस्ट मेंटल हेल्थ टेस्ट में वो स्कोर लो करते हैं देन डू पीपल नॉर्मल और तो इम्यून सिस्टम अगर आपका कम है तो आप कम स्कोर करोगे मेंटल हेल्थ में देन हाई इम्यून सिस्टम द इज सच अंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेंटल इलनेस एज वेल एज अगेंस्ट फिजिकल डिसीज तो ये प्रीमाइज है ये रिवाइज से एक रिसर्च कंडक्ट हुई रिसर्च चला कि लो इम्यून सिस्टम में बेटर आ, क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ में कम स्कोर आता है और इससे कंक्लूड कर, क्या, क्या कर लिया हमने कंक्लूड ये कर लिया कि भाई आ, इम्यून सिस्टम से आपके मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलती है इम्यून सिस्टम से आपके मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलती है तो स्टडी है स्टडी बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम

तो मैंने क्या किया पैसेज में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम मैंने ये बोला इम्यून सिस्टम से मेंटल हेल्थ डिटरमाइन होती है पर तो मैं क्या हूँ वॉट एम आई कि भाई इम्यून सिस्टम से मेंटल हेल्थ अगर डिटरमाइन uh, होती है तो मेंटल हेल्थ इम्यून सिस्टम से डिटरमाइन नहीं होता मतलब रिवर्स ट्रू नहीं होगा The reverse of this will never be true. ये मैंने कर लिया ना मैंने एक स्टडी कंडक्ट कराई स्टडी कंडक्ट कराई तो स्टडी में ये देखा कि ए, अगर आपका immune system weak है तो mental system भी weak है तो मैंने ये बोल दिया इम्यून सिस्टम वीक होता है तो मेंटल सिस्टम भी वीक होता है तो मैं क्या कर रही हूँ मेंटल सिस्टम वीक होगा तो इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा इम्यून सिस्टम से मेंटल सिस्टम वीक होता है है ना समझ रहे हो मेरी बात को भाई अगर आपने एक स्टडी कंडक्ट कराई है आपने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है इम्यून सिस्टम और मेंटल हेल्थ के बीच में और आपने इम्यून सिस्टम के बेसिस पे मेंटल हेल्थ को रीजन बोल दिया तो मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हो कि इसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता ठीक है यहाँ पे आप नेगेशन टेक्निक भी लगा के अगर देखो तो नेगेशन टेक्निक हम अगर लगाते हैं हम ये बोलते हैं कि भाई मेंटल uh, हेल्थ की वजह से इम्यून सिस्टम डिफर कर सकता है कंक्लूजन तो हो बोल रहा है, की से होता है पर अगर मैं बोल दू नहीं की से इम्यून सिस्टम डिटरमाइन होता है तो ये तो उल्टी चीज हो गई ना कंक्लूजन इनवैलिडेट हो रहा है तो ये एक ट्रिक होती है दिस इज अ ट्रिक जब भी आपको कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन आता है तो उसमें वन ऑफ द जनरल एजम्शन इज की इफेक्ट कैन नॉट बी द रीजन ऑफ द कॉज इफेक्ट कॉज का रीजन नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ये अज्यूम कर लिया कि कॉज की वजह से ही इफेक्ट हो रहा है तो यहां पे कौन सा ऑप्शन वो बोल रहा है डी मेंटल इलनेस डज नॉट कॉल कॉज पीपल्स इम्यून सिस्टम एक्टिविटी टू डिक्रीज मेंटल इलनेस की वजह से इम्यून सिस्टम खराब नहीं होता है ना तो डी इज द करेक्ट अजम्पशन सो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है और हमने एक उसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है कि कॉज की वजह से इफेक्ट होता है तो इसका रिवर्स ट्रू नहीं है ये मैं अज्यूम कर रही हूं जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा मैंने ये बोला कि मुझे नींद की एक स्टडी कंडक्ट कराई गई कॉफी और स्लीप के बीच के रिलेशनशिप पे, ठीक है एक स्टडी कंडक्ट कराई गई कॉफी और स्लीप के रिलेशनशिप के बीच में और ये पाया गया कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं उन लोगों को कम नींद आती है पीपल हुफी स्लीपलेस देर फोर कैफीन लीड्स टू इनसॉमनिया इसलिए कैफीन पीने की वजह से इन होता है तो बेटा मैं क्या कर रही हूं? मैं क्या क्या कर कर रही रही इस क्वेश्चन में इस सर्वे में मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे इन है इसलिए मैं कॉफी पीती हूं मतलब उल्टा ट्रू नहीं होगा है ना क्योंकि मैंने एक स्टडी कंडक्ट करी स्टडी में बोला कि भाई इस चीज में एक्स और वाई में रिलेशनशिप है तो एक्स की वजह से वाई होता है तो मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया कि वाई की वजह से एक्स कभी नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई कंक्लूजन ओनली एक्स कैन लीड टू वाई मीन्स रिवर्स कैन नॉट बी ट्रू समझे वाई दिस इज द करेक्ट अजम्पन क्योंकि मेरी स्टडी का कंक्लूजन है कि एक्स से ही वाई आता है पर ये भी तो हो सकता है ना वाई से एक साथ आओ पर मैं उस बारे में नहीं सोच रही मतलब मैं अज्यूम कर रही हूं कि रिवर्स ट्रू नहीं होगा समझे वाई डी इज करेक्ट हियर तो मैंने इस पैसेज में आ, इम्यून सिस्टम और मेंटल हेल्थ में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया कि इम्यून सिस्टम वीक है तो मेंटल हेल्थ वीक होगी तो मैं क्या अज्यूम कर रही हूं कि मेंटल हेल्थ वीक है तो इम्यून सिस्टम वीक होगा ऐसा रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता ठीक है उनमें मोस्ट ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन इट इज ट्रू वरना उसके अलावा और भी अजाम्शन हो सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट में वो मैं अभी आगे बताऊंगी ठीक है समझे आप लोग तो दिस इज हाउ यू आंसर अजाम्शन क्वेश्चन तो देखो अब हम कैसे

इम्यून सिस्टम हेल्प करता है मेंटल हिलनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए और जो आपका प्रिमाइस है वो भी मेंटल हेल्थ और इम्यून सिस्टम पे ही बात कर रहा है तो फिजिकल डिसीज वाली बात तो मेन मुद्दा ही नहीं है तो बी नहीं हो सकता सी पीपल विद हाई इम्यून सिस्टम कैन नॉट डेवलप मेंटल इलनेस बेटा ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सेंटेंस है कि अगर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो कभी भी आपको मेंटल इलनेस नहीं होगी अरे ये थोड़ी पता थोड़ी ये हमें तो थो, हम थोड़ी है तो सी नहीं हो सकता ई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ में नहीं था पैसेज इस इस के के बारे में है तो तो से ही relate करेगा answer. तो आप और conclusion के बीच में कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है वो आंसर से रिलेट करोगे बाकी पॉइंट से आपको कुछ लेना देना नहीं है कल भी समझाया था मैंने वो कार वाले एग्जांपल से ठीक है चलो

ठीक है, कॉज माने रीजन इफेक्ट माने रिजल्ट कि एक चीज होती है तो उसके बाद कोई और चीज होती है उस चीज की वजह से कोई और चीज होती है ये होता है कॉजेशन तो कॉज एंड इफेक्ट कॉजेशन होता है तो कॉज एंड इफेक्ट तो आप समझते हो ना कॉज एंड इफेक्ट तो आप लोग समझते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो कॉज इज पढ़ाई करो इफेक्ट इज रिजल्ट अच्छा आएगा तो कॉज इज द रीजन इफेक्ट इज वट डू यू गेट आउट ऑफ दैट रीजन ठीक है तो अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपका कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन आया है तो उसमें जनरल ये होता है जनरली ये होता है मतलब 50, 60 परसेंट केसेज में अजम्पन ये होता है कि इफेक्ट कॉज को लीड नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि भाई देखो अगर दो सिचुएशंस हैं, मतलब दो इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो पहले इंसिडेंट से दूसरा इंसिडेंट हो सकता है दूसरे इंसिडेंट से पहला इंसिडेंट भी हो सकता है लेकिन अगर मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं पहले इंसिडेंट के बाद ही दूसरा इंसिडेंट होगा मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इसका उल्टा कभी भी ट्रू नहीं हो सकता तो, तो ऐसा आंसर आप ढूंढ सकते हो अपने आंसर ऑप्शंस में जो आंसर में रिवर्सल वाली चीज दे रखी हो कि रिवर्स विल नेवर बी ट्रू है ना जैसे मैंने अभी आपको कॉफी वाले एग्जाम्पल से समझाया कि कॉफी पीने से इनसॉमनिया होता है तो मतलब मैं अज्यूम कर रही हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे इनसॉमनिया है इसलिए मैं कॉफी पीती हूं उल्टा ट्रू नहीं हो सकता है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि क्या बोला मैंने हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि हर रोज सुबह नौ रामू स्कूल की बेल बजाता है और उसके बाद प्रिंसिपल अपने कैबिन से बाहर आती है।, है ना ठीक है मैंने ये बोला सुबह नौ बजे रामू स्कूल की बेल बजाता है जिसके बाद प्रिंसिपल अपने कैबिन से बाहर आती है तो मैंने क्या बोला कि कॉज है कि रामू बेल बजाएंगे उसके बाद ही प्रिंसिपल केबिन से बाहर आएंगी मतलब क्या अज्यूम कर रही हूं कि मैं ये अज्यूम करके बैठी हुई हूँ कि ऐसा नहीं होता कि प्रिंसिपल बाहर आती है, उसके बाद रामू बेल बजाता है है ना क्योंकि मैंने क्या अज्यूम किया कि जब रामू बेल बजाते हैं तब प्रिंसिपल रूम से बाहर आती है मतलब लेकिन इसका रिवर्स भी तो ट्रू हो सकता है ना भाई मुझे क्या पता लेकिन मैंने तो कंक्लूड कर दिया कि नहीं, नहीं 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 रिवर्स ट्रू नहीं है यही ट्रू है कि जब बेल बजेगी तभी प्रिंसिपल आएंगे मतलब मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका उल्टा सिचुएशन कैन नॉट बी ट्रू में आया ठीक है so, सो आप वन ऑफ द क्या बोलते हैं रिवर्स रिवर्सन इज वन ऑफ द ट्रिक्स फॉर एक्शन क्वेश्चन सेकेंड कॉज एंड इफेक्ट का कॉमन एक्म्शन ये हो सकता है कि अगर आपके पैसेज में लिखा हुआ है कि एक कॉज की वजह से इफेक्ट होता है तो उस कॉज के अलावा कोई और कॉज नहीं हो सकता टू कम अप टू दैट इफेक्ट उस इफेक्ट तक कोई और कॉज नहीं आ सकता जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं जंक फूड खाने वाले लोगों को हार्ट डिसीज हो जाती है ठीक है जैसे मैंने बोला जंक फूड से हार्ट डिसीज होती है जंक फूड लीड्स टू हार्ट डिसीज तो अगेन का है. है, खाना, है. लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हार्ट डिसीज़ किसी और वजह से होती हो जेनेटिक्स में हो भाई हमारे आंसर को थी इसलिए हो रही है या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से हो जाए या फिर हो सकता है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब है इसलिए हो गई हो तो जरूरी नहीं है कि जंक फूड से ही हुई हो, लेकिन मैंने के कंक्लूजन में क्या बोल दिया कि कि oh, he तो मैंने assume कर लिया कि junk food के अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता है फॉर लीडिंग टू हार्ट डिसीज तो यहाँ पे मैं क्या assumption कर सकती हूँ कि जेनेटिक्स और एनी अदर रीजन विल नॉट लीड टू हार्ट डिसीज ये करेक्ट एजम्पन होगा तो समझ में आया आपको सेकेंड क्या हो सकता है कॉमन थर्ड अगर किसी भी क्वेश्चन में कंपेरिजन आया है तो आप ये करोगे कि बाकी सब चीजें सेम है जैसे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपेरिजन क्वेश्चन क्या होते हैं कंपेरिजन क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप दो सिचुएशंस को कंपेयर हो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द ऑथर सेज दैट रिवर्स इज नॉट टू ट्रू वन ऑफ द ऑप्शन अगर वो ऑप्शन है तो वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग दिस इज वाई एमसी क्यू है ना चार ऑप्शन में से एक अगर वो है तो वो करेक्ट है चलो नाउ कमिंग टू थर्ड कम्पेरिजन क्वेश्चन तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कंपेरिजन हो रहा है तो उस क्वेश्चन में जिस भी क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेरिजन हो रहा है उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए यही तो अजमशन इंपॉर्टेंट है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने ये बोला कि एक स्टडी कंडक्ट कराई गई ठीक है उस स्टडी में दो ग्रुप्स थे ग्रुप ए और ग्रुप बी ग्रुप ए वालों को न, क्या दिया गया भाई ग्रुप ए वालों को ग्रुप ए वालों को एट आवर्स ऑफ स्लीप दी गई ठीक है और ग्रुप बी वालों को फोर आवर्स ऑफ स्लीप दी गई ठीक है ठीक है तो अस अज्यूम कि एक स्टडी करना कराई गई है उस स्टडी में ग्रुप ए वालों को एट आवर्स ऑफ स्लीप दी गई ग्रुप बी वालों को फोर आवर्स ऑफ स्लीप दी गई और ये स्टडी का मतलब रिजल्ट आया कि ग्रुप ए वाले ज्यादा प्रोडक्टिव थे और ग्रुप बी वाले लेस प्रोडक्टिव थे ठीक है और मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि एट आवर्स ऑफ स्लीप लीड्स टू मोर प्रोडक्टिविटी अगर आप ज्यादा सोते हो तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो ठीक है तो अब ग्रुप ए में कुछ लोग थे ग्रुप बी में कुछ लोग थे है ना और ये कंपैरिजन क्वेश्चन है समझ गए ये कंपैरिजन क्वेश्चन क्यों है क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप ए के लोगों को ग्रुप बी के लोगों से तो ये कंपैरिजन क्वेश्चन है नाउ मैंने क्या बोला कि एक ग्रुप के लोगों को आठ घंटे सुलाया एक ग्रुप के लोगों को चार घंटे सुलाया और स्लीप से प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन होती है तो भाई अब यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ कंपेरिजन क्या है इन दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में मैंने क्या क्राइटेरिया ऑफ कंपेरिजन रखा है किस बेसिस पे कंपेयर कर रही हूं मैं दोनों ग्रुप्स को बताओ किस बेसिस पे आई एम कंपेयरिंग द टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्लीप स्लीप कौन कितना सो रहा है इस बेसिस पे कंपेयर किया गया है ना कौन कितना प्रोडक्टिविटी तो स्लीप पे डिपेंड कर रही है पर मैं किस बेसिस पे कंपेयर कर रही हूँ स्लीप के बेसिस पे कंपेयर कर रही हूँ तो मैंने ये सोचा कि भाई ये जो पांच लोग हैं और ये जो पांच लोग हैं इसमें क्राइटेरिया ऑफ डिफ्रेंसिएशन स्लीप है तो मैं क्या अज्यूम कर रही हूं कि स्लीप के अलावा ये ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोगों में सेम फीचर्स थे बाकी सारे बाकी सारे क्राइटेरिया सेम थे है ना क्यों? क्योंकि अच्छा अगर तुम सोचो मान लो कि ग्रुप ए के लोग पहले से ही ज्यादा प्रोडक्टिव थे लाइफ में पहले से ही ज़्यादा प्रोडक्टिव थे और ग्रुप बी के लोग लाइफ में पहले से ही कम प्रोडक्टिव थे तो तो मैं इस रिजल्ट पे नहीं आ सकती मेरी स्टडी रॉन्ग हो जाएगी है ना तो मैंने क्या जूम किया है इसलिए टू कम टू द राइट स्टडी स्टडी पे रिजल्ट आई हैव अज्यूम्ड दैट अपार्ट फ्रॉम स्लीप देर इज नो अदर क्राइटेरिया दैट इज डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी तभी तो मैं क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने ये बोला कि भाई उन्मेश नेहा से ज्यादा इंटेलिजेंट है ठीक है मैंने ये बोला कि उन्मेश नेहा से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैंने ये किस क्राइटेरिया के बेसिस उन्मेश के मॉक में नेहा से ज़्यादा स्कोर ठीक है मैंने ये बोला कि क्योंकि उन्मेश का मॉक में नेहा से ज़्यादा स्कोर आया इसलिए नेहा से ज्यादा उन्मेश इंटेलिजेंट है तो व्हाट इज माय क्राइटेरिया ऑफ कंपेरिजन उन्मेश नेहा दिया कि से है क्लास में नेहा ज्यादा मार्क्स लाती हो या फिर यह भी तो हो सकता है कि एक्चुअल नेहा मार्क्स ज्यादा लाती हो या एसलैट तो में नेहा मार्क्स ज्यादा लाती हो एलसे नेहा मार्क्स ज्यादा लाती हो है ना हो सकता है लेकिन मैंने तो सिर्फ मॉक स्कोर के बेसिस पे कंपेयर कर दिया कि नहीं मॉक स्कोर के हिसाब से तो इंटेलिजेंट उन्मेष है 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 ना सो so देयरफॉर मेरा ये है कि उन्मेश और नेहा बाकी सारे टेस्ट में सेम मार्क्स ही लाते हैं बस एक है, मॉक में उन्मेष ज्यादा लाता है इसलिए मॉक ज्यादा इसलिए उन्मेष ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि खुद ही सोचो अगर इन चारों एग्जाम्स में नेहा ज्यादा मार्क्स लेके आती है तो तो मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा ना फिर तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि नेहा ज्यादा इंटेलिजेंट है नेहा मुझे आके क्या बोलेगी कि अरे मैम क्लास का टेस्ट तो कंपेयर करो क्लैट का, तो का रिजल्ट तो कंपेयर करो एसलैट एलसेट का रिजल्ट तो कंपेयर करो है ना लेकिन अगर मैंने कंक्लूड कर लिया है बिल्कुल हंड्रेड कि नहीं उन्मेश नेहा से ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि उसके मॉक में बेटर आते हैं तो मैं अज्यूम कर रही हूं कि बाकी सारे टेस्ट में नेहा और उन्मेश सेम मार्क्स लाते हैं है ना समझे ये क्यों असमशन होगा क्योंकि मैंने बिलीव कर लिया है कि उन्मेश ज्यादा इंटेलिजेंट है एक क्राइटेरिया के बेसिस पे तो बाकी क्राइटेरिया सेम होने चाहिए ना वरना एक क्राइटेरिया के बेसिस पे कैसे कंपेयर कर सकते हैं ये वाला आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं और हम गलत करते हैं ठीक है चलिए

लॉजिकल गैप्स को फिल करने वाला आंसर होना चाहिए प्रिमाइस और कंक्लूजन के बीच में गैप है उस गैप को फुलफिल करने वाला आंसर होगा आप वीकनेस uh, आंसर्स वो सब एलिमिनेट कर सकते हो और पैसेज से रिलेटेड डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए कि जो पैसेज में इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए दूसरा कुछ इेलिवेंट टाइप नहीं होना चाहिए और डज नॉट मैटर इफ इट इज ट्रू इन रियल वर्ल्ड और नॉट रियल वर्ल्ड नॉलेज आप लोग नहीं लगाओगे ठीक है रियल वर्ल्ड की चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती जैसे उस दिन एक क्वेश्चन करा रही थी कि ए बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है तो किसी ने बोला कि इसका होगा कि ए इज अ गुड स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट और गुड सेम नहीं होता जो वर्ड आपके पैसेज में गिवन है आंसर भी उसी वर्ड से रिलेट करेगा उसके सिनोनिम वर्ड पे मत चले जाना ठीक है वो हमेशा गलत होता है तो रॉन्ग आंसर चॉइसेस क्या क्या हो सकती है ऑपोजिट आंसर्स ऐसा कोई भी आंसर जो दूसरी चीज बोल रहा है जो उसके उल्टा बोल रहा है जो पैसेज में गिवन है वो करेक्ट नहीं होगा शैल गेम आंसर्स शैल गेम आंसर्स का मतलब क्या होता है शैल गेम आंसर्स मतलब वो आंसर्स होते हैं जो सिमिलर वर्ड दिए हुए हैं पैसेज में उससे सिमिलर वर्ड आपके आंसर में डाल देते हैं तो वो आंसर नहीं होगा ठीक है इट हैज टू बी द सेम वर्ड नॉट द सिमिलर वर्ड सेम और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है सेम माने जो चीज लिखी हुई है वो ही सेम रिपीट होनी चाहिए सिमिलर मतलब मिलता जुलता तो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए सेम वर्ड होना चाहिए ठीक है थे? जैसे मैंने ये बोला कि मैंने आपको बताया ना वो वाला एग्जाम्पल कि भाई स, जो ज्यादा सोते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो इसका अजम्पन किसी ने ए ऑप्शन डाल दिया कि दैट मीन दे लिव अ बेटर लाइफ तो देखो रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचो कि भाई हाँ अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव uh, हो तो बेटर लाइफ जीते हो इट इज पॉसिबल इन रियल लाइफ बट यू कांट अप्लाई दैट इन द क्वेश्चन क्वेश्चन में आपके अगर पैसेज uh, में वर्ड प्रोडक्टिविटी है तो आंसर में भी वर्ड प्रोडक्टिविटी होगा गुड लाइफ नहीं होगा समझ रहे हो ना ठीक है तो इसलिए शेल गेम आंसर आपके गलत आंसर होते हैं शेल गेम आंसर मतलब वो आंसर जो सिमिलर वर्ड होंगे आउट ऑफ स्कोप आंसर्स ऐसे आंसर जो आउट ऑफ स्कोप है इेलिवेंट है वो आंसर नहीं हो सकते जैसे मान लो आपकी लाइन गिवेन है ए इज एंग्री ही थ्रोस थिंग्स ठीक है तो जब भी ए को गुस्सा आता है तो वो चीजें फेंकता है ये गिवन है अब इसमें पूछा गया आपका एजम्पन क्या है तो भाई आपने उसमें एक ऑप्शन था कि वेन एवर ए इज प्रोडक्ट सॉरी वेन एवर ए इज प्रोवोक्ड ही थ्रोस थिंग्स तो एंग्री और प्रवोक एक नहीं होता ठीक है तो अपन ये आंसर नहीं लगा सकते रॉन्ग टोन आंसर्स मान लो आपका पैसेज जो है थोड़ा सजेस्टिव uh, टोन uh, uh, में बात कर रहा है और आपने आंसर दे दिया किसी और टोन में तो दैट विल बी रॉन्ग रिवर्सल ऑफ कॉजालिटी कॉजालिटी में आपने गड़बड़ कर दी कोई कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन दे रखा है और आपने लगा दिया कि इसका रिवर्स ट्रू हो जाएगा

शायद ट्रू हो शायद ना हो अजमझन विल मैंडेटरीली बी ट्रू तो ऐसा स्टेटमेंट आप ढूंढो जो नो मैटर वट विल बी ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ठीक है तो आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उससे आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा अजमझन चलो ये बताओ समझ में आया ना आपको मैंने आपको आज क्या पढ़ाया एलिमिनेट करो जो आंसर्स गलत लग रहे हैं पहले उन्हें एलिमिनेट करो ठीक है गवर्नर द ब्रिज दैट द ब्रुकलिन एंड किंग बोरोस इज इन डेस्परेट नीड ऑफ रिपेयर

उसमें कितना पैसा लगेगा यह बताया जा रहा है तो मनी इज द पॉइंट ऑफ द पैसेज ठीक है रिपेयर में कितना पैसा लगेगा थर्टी मिलियन डॉलर चलो ओवर वन मिलियन वहीकल क्रॉस द ब्रिज ईच डे हर दिन एक मिलियन वहीकल इस ब्रिज को क्रॉस करती हैं अब कंक्लूजन आता है कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन है

डॉलर चार्ज करो तो एक मिलियन हो गया आपने रोज का एक मिलियन कमा लिया तो थर्टी डेज के अंदर आप पैसा कमा लोगे कंक्लूड कर रही हूं ठीक है तो मैंने बेटा ये बहुत आसान है दिस इज वेरी 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 इजी अजम्पन क्या होता है दैट गैप बिटवीन द प्रिमाइस एंड द कंक्लूजन प्रिमाइस क्या है थर्टी मिलियन डॉलर पैसा लगेगा कंक्लूजन है कि एक मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं तो सबसे एक मिलियन डॉलर चार्ज कर लो और थर्टी डेज में रिपेयर हो जाएगा इसमें कुछ गैप दिख रहा है आपको व्हाट इज द गैप हियर एम आई अज्यूमिंग व्हाट एम आई अज्यूमिंग व्हाट एम आई अज्यूमिंग आज एक मिलियन लोग क्रॉस करते हैं ब्रिज को जब ब्रिज फ्री है अगर ब्रिज के ऊपर मैं एक फीस लगा दूंगी तो एम आई श्योर की तीस मिलियन लोग ही ट्रैवल करेंगे चलो अब आते हैं अजम्पशन पे ए द ब्रिज इफ नॉट रिपेयर्ड विल लाइकली कोलैप्स कॉजिंग द डेथ ऑफ मैनी पीपल ए है विल लाइकली कोलैप्स मैंने अभी आपको बताया मे बी ट्रू वाले आंसर आंसर नहीं होते शायद कोलैप्स करेगा शायद कोलैप्स नहीं करेगा तो मे बी वाले आंसर नहीं हो सकते भैया ए आउट कर दो बी द विल नॉट कॉज अ सिग्निफिकेंट हार्डशिप ऑन द दैट यूज द ब्रिज जो अगर आप ये पैसा लगाओगे तो इनसे कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी देखो प्रॉब्लम अलग हो सकती है प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई फिर भी आ रहे हैं ना प्रॉब्लम है फिर भी आ रहे हैं तो बी भी ये बोल रहा है कि हार्डशिप शायद ना हो पर आएंगे ना हार्डशिप हो या ना हो आएंगे या नहीं आएंगे ये बी नहीं बता रहा मुझे बी बस ये बोल रहा बी इज गेम आंसर बी मुझे ये बोल रहा है कि उनको दिक्कत हो सकती है अरे तो दिक्कत हो सकती है तो आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं बता रहा बी बी के नॉट आंसर सी The toll will not induce some commuters to use mass transit when traveling between the two boroughs main yahi to तो kar कर रही ki कि toll के लगने से जो commuters hain जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करेंगे कि मास transit यूज करना शुरू कर देंगे अब तक वो रोज गाड़ी से आ रहे थे अब वो बस से आना शुरू कर देंगे तो अगर तुम्हें आंसर नहीं भी समझ में आ रहा था जब तुम सी ऑप्शन को पढ़ते हो तो खुद दिमाग लगा के सोचो कि एक बंदा कार चला के आ रहा है अब वो बस में आएगा तो उसका तो उतना टोल ही नहीं लगेगा ना क्योंकि अब कार कम, हो गई, कम हो गई तो मैंने जो ये सोचा था ये तो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगी पर मैं कह रही हूं नहीं मैं फुलफिल करूंगी तो मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि लोग मास कम्युनिकेशन सॉरी मास कमशन यूज करना शुरू नहीं करेंगे है ना तो सी इज द करेक्ट अजम्पन डी आफ्टर द रिपेयर्स आर कंप्लीट बेटा इस, ये, ये कैसे रिपेयर तुम्हें ट्वेंटी परसेंट ज्यादा ट्रैफिक होगा ये तुम कैसे बता सकते हो ट्रैफिक कितना है इसमें तो पैसेज ही नहीं है पैसेज का मेन पॉइंट है थर्टी मिलियन डॉलर इकट्ठा करना है और कैसे इकट्ठा करेंगे जो एक मिलियन लोग आते हैं उनसे पैसा लेके पर वो एक मिलियन लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे बेटा बी ऑप्शन शेल ऑप्शन बी कह रहा है कि अगर आपने टोल लगाया तो उससे लोगों पे हार्डशिप नहीं आएगी क्या अच्छा तेरे को भाई तेरे को पढ़ाई में हार्डशिप है तेरे को बहुत क्रिटिकल रीजनिंग हार्ड लगता है इसका मतलब है तू पढ़ेगा नहीं दैट मीन यू विल नॉट स्टडी no, it means you you will study even though there is hardship 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 because you have to. So coming to coming B again ki bhai, toll तो इसका मतलब नहीं करेंगे उस टोल को टोल को तो यूज अभी भी करेंगे ना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वो करोगे नहीं काम तो इसलिए बी करेंट अजम्पन नहीं हो सकता अगर यहाँ लिखा होता द टोल विल नॉट कॉज significant डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर यहां लिखा होता दोलॉट ऑफ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होता क्योंकि नंबर ऑफ कम्यूटर्स होंगे आ तो रहा है वो कम होगा है ना? तो इसलिए सी इज द करेक्ट एजाम्शन तो अजम्पन इज द गैप बिटवीन द प्रेमाइस एंडक्लूजन प्रेमाइस और कंक्लूजन का मेन पॉइंट समझा करो आप लोग पहले मेन पॉइंट है कि थर्टी मिलियन डॉलर इकट्ठा करने हैं जितने लोग आ रहे हैं सबसे एक मिलियन ले लो अरे पर वो लोग आते जाएंगे कि नहीं आते जाएंगे या बंद कर देंगे आना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित प्रैक्टिस करके चलो बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर लेट्स सी

इससे क्या होगा सत्तर परसेंट आप कम पे बेचो डिस्काउंट पे बेचो तो इससे आप रिड ऑफ हो जाओगे ऑफ दो क्लोथ तो बेटा ये तो बहुत आसान है मैं क्या ज्यूम कर रही हूं डिफेक्टिव है तो वन डे सेल लगाओ बेच दोगे तो आपसे वो रिड ऑफ हो जाओगे उन क्लोथ से ए कि भाई लोग आके खरीदेंगे पहले तो लोग आके खरीदने चाहिए ना मैंने ये बोल दिया कि भाई आप ये सामान जो है बिक जाएगा अरे तो लोग खरीदें तो मैं तो अज्यूम कर रही हूँ ना कि सामान बिक जाएगा बट पीपल शुड बाय इट तो ए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि भाई डिफेक्ट्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि कस्टमर आके नहीं खरीदेंगे है ना सो ए इज करेक्ट अजम्पशन अजम्पशन माने गैप बिटवीन द प्राइमाइस एंड द कंक्लूजन तो बी पे जा भी क्यों रहे हो द रेट ऑफ रिटर्न्स रेट ऑफ रिटर्न रिटर्न इज नॉट द पॉइंट रिटर्न इज नॉट द पॉइंट ऑफ द मैसेज द पॉइंट ऑफ द पैसेज इज कि भाई ये सामान बिकेगा सामान बिकेगा तो पहले तो तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि सामान बिकेगा खरीदने आएंगे पक्का लोग प्राइमाइज क्या है वन डे सेल लगाओ तो कंक्लूजन uh, क्या है तो ये सामान जो है तुम डिफेक्टिव सामान निकाल लोगे तुम तो तुम क्या अज्यूम कर रहे हो बेटा अगर तुम ये कंफ्यूजन बोल रहे हो कि डिफेक्टिव सामान से रिड ऑफ हो जाओगे डिफेक्टिव सामान तुम्हारे ऐसे चला जाएगा तुम ये अज्यूम कर रहे हो ना कि लोग खरीदेंगे डिफेक्ट के बावजूद तो यहाँ पे देर फोर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों Also, हाँ, correct, उनमें rate of returns when merchandise is new. New merchandise पे तो passage है भी नहीं तो बी नहीं हो सकता ठीक है टू फ्यू शॉपर्स परचेज मार्केटाइज फुल रिटेल प्राइस हम तो डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो सी नहीं हो सकता अगर ये सेल्स पॉपुलर हो गई अगर हो गई अगेन ये आंसर नहीं हो सकता इफ वाले आंसर नहीं होते क्योंकि ये माइट माइट बी बी ट्रू ट्रू नॉट आंसर है तो ए इसका भाई ये तो बहुत आसान है गाइस ये तो मैं बिना ऑप्शन देखे ही बता सकती हूँ मतलब अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ देखो ये कपड़े जो है इसमें डिफेक्ट है और ये कपड़े मुझे बिकवाने हैं तो सेवेंटी परसेंट डिस्काउंट लगा देती हूँ तो बिक जाएंगे तो मैं क्या सीम कर रही हूं कि लोग खरीदेंगे डिफेक्ट के बावजूद है ना तो इज करेक्ट इतनी बार तो एक्सप्लेन किया भाई पांच बार कर लिया मैंने एक्सप्लेन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेगेट yes, करने से भी आप राइट पे आ सकते हो क्या बोल रहा है पैसेज क्रोजिया

और ये क्यों करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो सके तो मैं यहां क्या अज्यूम कर रही हूं बेटा मैं यहां क्या अज्यूम कर रही हूं ए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव होती है जब सारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिलती है सारे प्रोफेशन की तो बात ही नहीं हो रही तो एक को कर दो बाय बाय टाटा ठीक है बी सी इमरजेंसी फंड इन अदर कंट्रीज इमरजेंसी फंड तो पॉइंट ही नहीं है स्टूडेंट सॉरी स्कूल टीचर्स के बी तो भी नहीं हो सकता C, से अनप्रिडिक्टेबल होती है इकोनॉमिक सेक्टर तो इससे हमें क्या लेना देना भाई मार्केट डायनेमिक्स से हमें क्या लेना देना हम तो टीचर्स की सैलरी बढ़ाना चाह रहे हैं डी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशनोजिया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यही तो बात कर रहा है मैसेज कि पैसा लगाओ टीचर्स को दो तो इकोनॉमी बढ़ेगी मतलब एजुकेशन में पैसा लगाओगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी ये मैं अंज्यूम कर रही हूं ठीक है चलिए दैट इज ऑल फॉर आई विल सी एट 2:15 ऑन दी एप देयर इज अ फ्री क्लास ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्विज सो अगर आप सीआर करना चाहते हैं तो सवा दो बजे आ सकते हैं तो कृपी भी हो हो so, एक्सेस कर सकते हो और अगर, तो अगर आप उनसे कोई भी अपना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं है, तो आप वो भी कर सकते हो और अगर आपको भार तो आपकू सो मच गाइज एंड नावे आई होप आपको समझ आया मैंने आपको क्या पढ़ाया